जय हिंद, जय भारत। आज फिर हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्शन बेटा किस तरह आपको आसान तरीके से करने हो। बेसिकली एक फ्लो चार्ट टाइप का है जो आपकी कन्वर्शन में है बनाने में हेल्प करेगा और आपकी कन्वर्जन ईजी होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1 डिग्री अल्कोहल। बेटा अल्कोहल क्या होता है 1 डिग्री वाले? देखो ये OH ग्रुप है भाई, अल्कोहल है तो OH तो आएगा। उसके साथ जो कार्बन अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? OH ग्रुप के देखो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से? एक से अटैच है तो 1 डिग्री। इसमें देखो OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? इस वाले से। और ये कितने कार्बन से अटैच है? तो 1 डिग्री। तो जब भी मेरा कोई 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, जब भी मेरा 1 डिग्री अल्कोहल आएगा और आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कन्वर्ट इथेनॉल इंटू इथेनल, भाई अल आ रहा तो क्या एल्डिहाइड है, तो आप क्या डालेंगे? PCC और CrO3, या तो PCC डालो पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3 डालो। बात समझ आ गई? तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा रखना, सिर्फ 1 डिग्री के लिए है, किसी भी तरह के अल्कोहल के लिए नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल में जब भी आप PC डालोगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एल्डिहाइड में। बट अगर आपको उल्टा करना है, भाई उल्टा करने का मतलब यह है कि आपको मान लो बनाना है इथेनल से इथेनॉल, तो फिर क्या करेंगे? तो उस समय आपको डालना है या तो एस्टोनिकल डालो या फिर NaBH4 जिसे आप कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। बात समझ आ गई? क्या कहा मैंने आपसे कहा कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो PCG और CrO3 डालो। बट अगर आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो एस्टोनिकल या फिर NaBH4। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, बट अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं बनाना, आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? K2Cr2O7+H2SO4। और एसिड से अल्कोहल बनाना उल्टा करना है तो LiLH4 डालना है। दोबारा एक बारी, एसिड अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड डालना है तो K2Cr2O7H2SO4। एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करेंगे? LiLH4। देखो एरो मैंने इस तरफ का दिखा रहा है, यहाँ तक समझ? अच्छा, आपने कहा अगर मुझे ऐसा आ गया कि यार एल्डिहाइड से एसिड बनाना है ना, चैप्टर क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो क्या डालेंगे बच्चे? टॉलेंस रिजेंट, है ना। टॉलेंस रिजेंट का फॉर्मूला था AgNO3+ तो एल्डिहाइड से एसिड डालोगे तो एक स्टेप में क्या डालना है? टॉलेंस रिजेंट। बट अगर आपको एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या डालेंगे? डाइबल एच। याद रखना बेटा एक बारी, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल पे। अब 2 डिग्री अल्कोहल है, मान लो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन अटैच है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाना है तो आप क्या डालेंगे? PCC या फिर K2Cr2O7+H2SO4। बात समझ आ गई? बट अगेन कीटोन से अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो LiLH4। एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या हमने बात की। हमने बोला कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो PCC और CrO3। आपने कहा एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो एस्टोनिकल NaBH4। आपने कहा 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाना है तो K2Cr2O7+H2SO4। आपने कहा एसिड से अल्कोहल 1 डिग्री बनाना है तो LiLH4। आपने कहा एल्डिहाइड से एसिड बनाना है टॉलेंस रिजेंट, एसिड से एल्डिहाइड बनाना है डाइबल एच, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाना है PCC या K2Cr2O7+H2SO4, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल तो LiAlH4। अब हम देखेंगे बेंजोइक एसिड की कन्वर्शन। बट बेंजोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस चैप्टर के। देखो बेंजीन के ऊपर CUH बटा बेंजोइक एसिड बन गया। अच्छा सुनो मेरी बात, बेंजोइक एसिड में जब भी तुम डालोगे NaOH+CO और उसको हीट करोगे, NaOH+CO और हीट करोगे, हीट करना जरूरी है, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन, डायरेक्ट एक स्टेप में कर दिया, ठीक है। आगे जाके क्वेश्चन आएगा कि यार बेंजीन को जरा एसिटोफिनॉन बनाना या बेंजीन को टॉलिन बनाना, तो आपने कहा सर टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 और बेंजीन के ऊपर COCH3 होता है, एसिटोफिनॉन आता तो है क्वेश्चन। अच्छा बेटा याद करना जरा, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें क्या होता था? एल्काइल ग्रुप ऐड कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3। तो देखो इसमें सीधा CH3 ग्रुप ऐड हो गया, ये बन गई एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता था? एसाइल ग्रुप याद कराते, एसाइल ग्रुप होता है COCH3, तो एनहाइड्रस ClCl3 आपने ऐड कराया, इससे कहते हैं CO, ये बन गया मेरा एसिटोफिनोन। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन आए कन्वर्जन पे कर लोगे। अच्छा अगर कोई तुमसे बोले, ध्यान से सुनो, अगर बेंजोइक एसिड में SOCl2 डालते हैं, क्वेश्चन भी NCERT में ना, तो क्या बनता है? CUH किस में कन्वर्ट होता है? COCl में। इसे क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ तक पता है? अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड में जब आप डालते हो H2 Pb SO4, रोजन में रिडक्शन बार बार आए, देखो बेंजल डिहाइड बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा
उसने बोला बेंजिक एसिड में अगर मैं डालू NaHCO3 तो ये बेटा बेंजीन के ऊपर CONA लग जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। बेंजोइक एसिड में अगर मैं आपने कहा कि यार कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे डाइबल एच। बट अगर उल्टा बोल दे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है तो टॉलेज रिजेंट। बात सुन दोबारा, एसिड को एल्डिहाइड में करना है डाइबल बीएच, एल्डिहाइड को एसिड में करना है टॉलेज रिजेंट। अच्छा कुछ कंपाउंड देखो, सियानोबेंजीन है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजामाइड और ये वाला कंपाउंड, जो चारों कंपाउंड है जब भी इनका एटलाइज होगा, जब भी एटलाइज होगा ये सारे के सारे किसमें कन्वर्ट होंगे मेरे बेंजोइक एसिड में, ठीक है। और जब भी ये टॉलिन है, ये इथाइल बेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन जो भी है, इनमें जब भी हम डालेंगे बेटा KMnO4 या KH या फिर H2SO4 तो ये किस में कन्वर्ट जाता है मेरा बेंजोइक एसिड में। एक बार रिवाइज कर ले सारी बात जो पढ़ी हमने। बोला कि देखो बेंजोइक एसिड में डालोगे NaHCO तो घनेगा और हीट कर दोगे तो बेंजीन। अब यहाँ से बेंजीन टॉलिन में आते हैं, बेंजीन से बेंजो, टॉलिन बनाना होगा या मिथाइल बेंजीन बनाना होगा तो लगाओगे फ्रेडली क्रॉस एल्केलेशन एनहाइड्रेसिल। बट अगर एसिटोफिनोल बनाना है तो लगाओगे फ्रेडली एसाइलेशन और SLD बन गया। फिर मैंने आपसे बोला कि अगर बेंजोइक एसिड में आप डालोगे NaHCO तो बेंजीन CNA आ जाएगा। आपने कहा बेंजिक SOCl2 डालो तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में H2 पैलेडियम भी हो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ये मेरा आएगा टॉलेज रीजन। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बना डाइबल एच, बेंजोनाइट्राइल, बेंजाइल क्लोराइड ये सब जितने भी एटलाइज करेंगे बेंजाइल, इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन सबका एटलाइज ये जब होगा KMnO तो ये बनेंगे बेंजीन में कन्वर्ट होंगे। बात समझ आई। इस स्टूडियो में बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।